आज ट्रांसपोर्टरों ने धरना दिया है केजरीवाल सरकार के खिलाफ, क्या वजह है? क्योंकि अब ट्रांसपोर्टर भी सड़क पर उतर चुके हैं, क्यों धरना पड़ रहा है? सर, ये प्रदूषण के नाम पर दिल्ली के टैक्सी बस वालों को बेरोजगार करने पे सरकार तुली हुई है। 2000 में हमारी डीजल गाड़ियां बंद करी थी, फिर इन्होंने यूरो 2 डीजल गाड़ी दी, फिर यूरो 3 डीजल गाड़ी दी, फिर यूरो 4 डीजल गाड़ी दी। ये हमारे से प्रदूषण का सर्टिफिकेट देते हैं तो वो सर्टिफिकेट ले से साबित होता है कि हमारी गाड़ी कोई धुआं नहीं दे रही, लेकिन हमारी गाड़ियों को बंद करके ये हम लोगों को, टैक्सी बस वालों को, सबको बेरोजगार करने पर तुली हुई है। धरना आज इसलिए है। और ये यूरो 6 गाड़ियाँ दिल्ली के अंदर डीजल गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नहीं कर रही है, उस वजह से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों की रोजी रोटी पे बात आ गई, हमारे ड्राइवर भूखे मरने की नौबत पे आ गए हैं। हमारे ऑलरेडी टूर बुक हैं, पर्यटन पे हमारा बड़ा असर हो रहा है। हमारी दिल्ली की जो पर्यटन का जो उद्योग है बिल्कुल बर्बाद करने पे दिल्ली सरकार तुली हुई है। प्रदूषण बड़ी समस्या है, प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सरकार तरह तरह के कदम उठा रही है। अब जो यूरो 3 और यूरो 4 की जो गाड़ियां हैं जिन पर प्रतिबंध लगा है वह भी खोल दिया गया है। सर, ये जानबूझ के खोला गया है क्योंकि आज हमारा दिल्ली NCR का बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे था। सरकार ने जानबूझ के ये कल एक झूठ मूठ का ऑर्डर निकाला जिससे गफलत पैदा हो जाए, जिससे हमारी यहाँ संख्या कम रहे, और आज भी वो गाड़ियाँ डीजल की खुली नहीं है, बंद है। आज भी वो गोपाल राय की मीटिंग चल रही है वहाँ पे, और हमने जो प्रदर्शन करा है वो इसलिए करा है कि भविष्य में कभी भी चाहे AQI कितना भी बढ़े, हमारी डीजल गाड़ी कोई बंद नहीं होगी। और अगर ये बंद करना चाहती है सरकार की, तो उसकी एवज में हमें उसका मुआवजा दिया जाए। जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को बिजली मुफ्त दी जाती है, महिलाओं को फ्री बस में टिकट दिया जाता है, वकीलों को 5 लाख का बीमा कराया जाता है, तो हमने क्या कसूर करा है? हम टैक्सी वाले भाइयों ने क्या कसूर करा है? हमें क्यों ये सहूलियत नहीं दी जाती? इन फ्यूचर हम लोगों को सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा, नहीं तो हमारी गाड़ी बिल्कुल बंद नहीं होगी। हमारी गाड़ी हमेशा चलेंगी जब तक उनकी मियाद खत्म नहीं हो जाती। एनफोर्समेंट में जो लगी हुई है वो सारी की सारी डीजल की है। तो एक तरीके से ये दोहरा रवैया जो दिल्ली सरकार हमारे साथ अपना रही है वो बहुत गलत है कि अपनी गाड़ियाँ वो एनफोर्समेंट की गाड़ियों से हमारा शोषण कर रही है, हमारे 40,000 के चलान काट रही है, लेकिन खुद वो उनका जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है वो एसेंशियल सर्विस के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर सरेआम घूम रहा है और डीजल की गाड़ियां चला रहा है। आप लोग कितने ट्रांसपोर्टर है जो आज इकट्ठे होकर के आए हैं, और कितने, अगर यदि सरकार नहीं मानती है तो कितने लोग और आप इकट्ठे होकर के सरकार आए? सर, इस बार पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी, ये तो हमारी एकता को तोड़ने के लिए इतवार के दिन इन्होंने जानबूझ के सगुफा छोड़ दिया कि डीजल की गाड़ी खोल दी है, जबकि वो झूठा एडवर्टाइजमेंट था। कोई डीजल की गाड़ी बंद नहीं हुई है और अभी भी चल रही है, उससे हमारी लोगों की। रवि राठौर है, मैं अध्यक्ष हूँ टैक्सी यूनियन का, और हम लोग आज यहाँ सारे ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर भाई और सभी जितने भी संगठन हैं सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं केजरीवाल साहब की गलत नीतियों के खिलाफ। क्योंकि ये क्या होता है, इनको कोई भी काम, ये रात को सोते हैं सुबह याद आता है, रात को सोते हैं सुबह जग जाते हैं कि आज हमें ऑर्डर करना है गाड़ियाँ बंद कर दो, डीजल गाड़ियाँ। भाई क्यों बंद कर दो? पॉल्यूशन तो तुम्हारा पराली का वहाँ से आ रहा है। जब आप सरकार में यहाँ थे तो बोलते थे पंजाब से आता है, अब बोलते हैं कि पूरा देश से आता है, तो ये तो गलत बात है ना। और अभी तक जितने भी हमारे ड्राइवर भाइयों के चलान कटे हैं किसी के 20,000, सब एक एक गाड़ी के मालिक हैं, अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं वो जानते हैं। जैसा कि अभी सरदार जी ने सही कहा है, बुकिंगें कैंसिल हुई हैं, हमारे खुद की टेम्पो ट्रैवलर की बुकिंग कैंसिल हुई है, उसका हर्जाना कौन देगा? आपके 5,000 रुपये से हमारी भरपाई होने वाली नहीं है। जो हमारे आगे से आगे प्रोग्राम लगे हुए हैं वो सारे निरस्त हो रहे हैं, तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आज सारे ट्रांसपोर्टर भाई और सारे मोटर मालिक एक एक गाड़ी के मालिक हैं जो अपना परिवार पालते हैं, आज सारे इस तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़े हैं, और आने वाले MCD चुनाव में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यदि आप आज मुख्यमंत्री आपसे नहीं मिलते तो आगे क्या कदम रहेगा? अगर मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं तो हम मुख्यमंत्री का घेराव कर देंगे, घर के बाहर बैठ जाएंगे, कभी तो आएंगे, हमें पता है वो गुजरात में बैठे हुए हैं, पर दिल्ली नहीं आएंगे क्या? हम रोड जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, MCD चुनाव में इनको दिखा देंगे इनकी औकात क्या है, ये झूठ बोल के आए थे सत्ता में। लगातार ट्रांसपोर्ट यूनियन भी सरकार से मांग करी है गाड़ियों को जो बंद कर, प्रदूषण को लेकर के जो बात होती है उस पर बैन लगाया जाता है, तो यदि सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? आपको पुलिस ने रोक लिया है, क्या मुख्यमंत्री आवास तक जा पाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, सब जगह जाएंगे सब, लेकिन सबसे बड़ी बात है करोड़ों के नाम पे, प्रदूषण के नाम पे करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रही है गवर्नमेंट। उस करोड़ों रुपया इकट्ठा करने के नाम पे अगर वो दिल्ली की जनता के ऊपर लगा दिया जाए, वो करोड़ों रुपया किस काम का? आपके लंग्स ख़राब हो रहे हैं, हमारे लंग्स ख़राब हैं, सभी के लंग्स ख़राब हैं। पर क्या जो हमारे क्लाइंट एक बार आप लोगों ने ऑर्डर निकाल दिया डिस्कनेक्ट का, क्या वो हमारे पास क्लाइंट दोबारा आ पाएंगे, हमारे से गाड़ी ले पाएंगे? एक बार जो बुकिंग हमारी कैंसिलेशन होगी वो एक दिन का मुआवजा दे देंगे, क्या वो आगे साल भर तक का मुआवजा दे पाएंगे हमारे को? हमारे पर्यटन के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, 3 साल से लगातार पहली बार कोरोना काल के अंदर पहली बार टूरिस्ट आया है,
उसके बाद आप ऐसे मतलब बिना सोचे समझे आप ऐसे ऑर्डर निकाल देते हो कि एक तुगलकी फरमान जो है अभी हम लोगों ने पेश कर दिया तो इसी से पोल्यूशन कम हो जाएगा। जो करोड़ों रुपया पैसा उन्होंने इकट्ठा कर रखा है, आपने जो मशीनें पानी फेंकने वाली जो मशीनें लगा रखी हैं उसकी तादाद बढ़ाओ ना, दुनिया में जो सारे के सारे संस्थान को इंक्रीज करो ना, जो आप मतलब आप लोगों ने वो इकट्ठा कर रखे हैं वो किस लिए, पैसा जो करोड़ों रुपया आपके अकाउंट्स के अंदर जमा है आप उसको यूटिलाइज करो ना, हम जनता को क्यों तंग कर रहे हो, हमें टैक्सी वालों को क्यों तंग कर रहे हो। हाँ राजीव जी, लगातार मांग प्रदूषण को लेकर के सख्त नियम बनाए जा रहे हैं और अब निगम चुनाव भी आने वाला है, कहीं ना कहीं सरकार निगम चुनाव को लेकर के बैकफुट पर जो आई है, प्रदूषण गाड़ियों का जो पहले 0-3 और 0-4 में प्रदूषण लग रहा है वो खोल दिया गया है, तो इससे कितनी दिक्कत आप लोगों को आ रही है? सर दिल्ली सरकार अपनी गाड़ियों की रोकती है, हमारी गाड़ियों की रोकती है टैक्सी से, जबकि हमारी गाड़ियों कर्जे पे है, हम तो बैंक के EMI देनी है, एक बार EMI देख के देखो ना सर कितनी EMI पड़ती है, आज हमारी बातें मानते हैं ठीक है, वरना हम चक्का जाम करेंगे सर, रोड पे रिंग रोड जाम होगा पूरा जब ना दिल्ली सरकार।